एचयू बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है दोस्तों, जहाँ पे कैंसर का इलाज, किडनी का इलाज, हार्ट का इलाज और आँख नाक कान गला कोई भी इलाज। बहुत लोग यहाँ पे आने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कैसे मैं यहाँ पे अपना इलाज करवाऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी को आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे 101 नंबर कमरा आप लोग को दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर आप लोग BHU में आते हैं तो 101 नंबर कमरे में जाएँ। और नमस्कार दोस्तों, मैं भी अभी दोनों अपने चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और गाइज आप लोग को पीछे BHU का मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अभी हम लोग वाराणसी में हैं और यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को आप लोग देख सकते हैं जो BHU के नाम से जाना जाता है। और यह मेडिकल कॉलेज है और यह BHU बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है दोस्तों, जहाँ पे कैंसर का इलाज, किडनी का इलाज, हार्ट का इलाज और आँख नाक कान गला कोई भी इलाज आप लोग यहाँ पर, आप फिर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो आप यहाँ पर आसानी से करवा सकते हैं। और बहुत लोग यहाँ पे आने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कैसे मैं यहाँ पे अपना इलाज करवाऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी को आप लोग को दिखाने वाला हूँ, कितना आसानी से आप अपना यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो इसको जानने के लिए दोस्तों आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे दोस्तों। और आइए मैं लेके चलता हूँ आप लोग को सबसे पहले एक सौ एक नंबर कमरे में दोस्तों, आप लोग को जहाँ पे पर्ची कटवानी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप अपना लिस्ट देख सकते हैं कि आप लोग किस किस दिन आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गेस्टेड छुट्टियाँ हैं यहाँ पे लिख दी गई हैं, तो आप इस दिन कृपया ना आएँ। और यहाँ पे 101 नंबर कमरा आप लोग को दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर आप लोग BHU में आते हैं तो 101 नंबर कमरे में जाएँ। और जो भी आपको रोग है आप यहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा, छोटी छोटी लाइनें हैं, काउंटर बहुत सारा है, तो आप लाइन लगाएं और आपको इस प्रकार की पर्ची मिलेगी और जिसको आप चार्ज देना पड़ेगा मात्र 30 रुपीज़। और 30 रुपये देकर आप यहाँ पे आसानी से अपना नंबर लगवा सकते हैं। और उसके बाद आप जाएंगे, आपको जिस डॉक्टर को दिखाना है वहाँ पर OPD के पास, तो आइए लेके चलता हूँ OPD के पास। तो दोस्तों आपको जिस डॉक्टर को दिखाना है, आपको वहाँ पे नंबर जहाँ पे लगाए थे उस डॉक्टर का यहाँ पे पर्ची पे नाम लिख दिया गया था। जो डॉक्टर आपको देखेगा आप वहाँ पे जाएं और उस कमरे नंबर में जाएंगे तो आपको डॉक्टर जो भी इलाज लिखता है, और अगर आपको ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन के लिए आपको एक पर्ची देगा, ब्लड टेस्ट के लिए सेम वैसे ही पर्ची मिलेगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो पर्ची है दोस्तों, आपको इस पर जांच लिखा रहेगा और भी अगर आपको कोई समस्या है तो उस पर्ची पे लिखा रहेगा दोस्तों। अगर आपको प्राइवेट में अगर डॉक्टर लिखता है तो जैसे कि इस तरह की पर्ची पे किस डॉक्टर आपको लिखता है, तो आपको इस पर्ची को नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों कमीशन के चक्कर में डॉक्टर ऐसी पर्ची आपको दे देंगे कि बाहर जा कर जाँच करवा लीजिएगा। चूँकि मैं बता दूँ दोस्तों, आपको अंदर सारा जाँच हो जाता है और डॉक्टर कमीशन के चक्कर में बाहर लिख देते हैं दोस्तों आपको। आप यहाँ की सुविधा देख सकते हैं, BHU की बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सुविधा आपको मिल जाती है दोस्तों। और वो जो पर्ची डॉक्टर लिखेगा दोस्तों, जांच वाली पर्ची, तो आपको जांच वाली पर्ची दोबारा आपको 101 नंबर कमरे में लेके आना है। तो आप 101 नंबर कमरे में उस पर्ची को लेके आएँ, और उस पर्ची को जैसे ही 101 नंबर कमरे में आप लेके आते हैं तो उस पर्ची को लेकर आप लोग को दोस्तों यहाँ पे नहीं जमा करना है, आपको जाना है ऊपर। और आप लोग देख सकते हैं इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाएंगे, क्योंकि नीचे जब आप एंट्री लेते हैं तो डॉक्टर को दिखाना रहता है, तो उस समय 30 रुपये की पर्ची कटती है। लेकिन जो आपको फीस जमा करना है 10, 20, 50 का, जो भी आपका जांच रहेगा, ब्लड टेस्ट रहेगा या फिर आपका अल्ट्रासाउंड रहेगा, तो भी आप ऊपर आएंगे पैसा जमा करने के लिए। आपका ऑपरेशन कराना है तो भी आप आएंगे यहाँ पर पैसा जमा करें, जिसका चार्ज बहुत ही नॉर्मली रहता है, 200-300 रुपये चार्ज रहता है। तो आप वहाँ पर अपना पैसा जमा करेंगे, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाएँगे, तो डॉक्टर के पास जाएंगे और नहीं आप जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको जांच करवानी है। जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, तो आप यहाँ पे आप उस पर्ची को जो वहाँ पे पैसा जमा किए रहेंगे वहाँ पे एक आपको पर्ची मिलेगी, उस पर्ची को लेके आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना आसानी से ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट करवाना है तो ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाना है अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, सीटी स्कैन करवाना है सीटी स्कैन करवा लेंगे। अगर आपको ऑपरेशन करवाना है तो यहाँ पे पर्ची जमा करेंगे, आपको फीस कटेगा, फीस कटने के बाद आप फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपको वो फीस का पर्ची देखेगा और आपका ऑपरेशन आसानी से कर देगा।
तो आइए दोस्तों, मैं अभी आप लोग को लेके चलने वाला हूँ यहाँ पे नाक कान गला विभाग। तो आइए चलते हैं नाक कान गला विभाग में। और सबसे पहले आप लोग जब यहाँ पे एंट्री करते हैं, जस्ट आप जहाँ पर्ची कटवाए थे उसके जस्ट दाहिने साइड में ये नाक कान गला, मात्र 2 मिनट आपको लगेगा यहाँ पे आने में, बाहर ही है, आपको BHU के अंदर नहीं जाना है। तो आप यहाँ पे जब आते हैं तो आपको एक सीढ़ी ऊपर आना होगा और फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको यहाँ पे नाक कान गला का मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले आएंगे तो नंबर लगवाना होता है, नंबर में आपको एक टोकन दिया जाएगा, तो आप अपना नंबर का इंतज़ार करेंगे, फिर डॉक्टर को दिखा लेंगे। आइए मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे नेत्र विभाग में, जो जस्ट उससे सटा हुआ है नेत्र विभाग। और नेत्र विभाग दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आँख का टेस्टिंग किया जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अपना आँख दिखाना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप किसी भी प्राइवेट विभाग में ना जाएँ और आप चुपचाप यहाँ पे BHU में चले आएँ। बहुत ही कम पैसे, मात्र नॉर्मली 10-20-50 में आप यहाँ पे अपना आँख का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और यहाँ पे एक से एक आपको मशीनरी के माध्यम से आपका टेस्ट किया जाएगा दोस्तों, और आप आसानी से अपना आँख टेस्ट करवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं, चश्मा ले सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हैं आँख का, सब कुछ बहुत ही नॉर्मली रूप से। तो अगर आप जब अपना जांच करवा चुके हैं तो आप यहाँ पे 110 नंबर जो आपको भीड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे अपना जांच रिपोर्ट आके ले लेंगे। तो गाइस लास्ट में जब डॉक्टर आपको दवा लिखता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं BHU द्वारा निर्धारित सस्ते दवाई यहाँ पे आपको मिल सकती है और आप अंदर ही BHU के अंदर ही दवा ले सकते हैं। तो लास्ट में अब ये सवाल उठता है कि आप BHU आएँ कैसे। तो दोस्तों लास्ट में सवाल ये उठता है कि आप BHU कैसे पहुँचेंगे। तो मैं बता दूँ दोस्तों, आप BHU आसम आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो सबसे पहले आपको कैंट आना होगा, कैंट से मात्र 7.5 किलोमीटर दूरी है और 25 मिनट आपको लगेंगे BHU लंका पहुँचने के लिए। और अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप आ सकते हैं और मात्र 55 मिनट लगेंगे, और जिसकी दूरी मात्र 30 किलोमीटर है, और बाई टैक्सी या बाई ऑटो आ सकते हैं दोस्तों। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।